हेलो एवरीवन, फूल पत्ती वाली क्लास में आपका स्वागत है। आज 3 अगस्त और आज जो सर ने करंट अफेयर की क्लास करवाई है उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी, जो कि 1.5 घंटे की क्लास आपकी 10 मिनट में 15 मिनट में हो जाएगी। तो चलिए हम लोग बिना समय खराब किए हुए अपना पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो वो ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ओपन एआई के सीईओ इस समय है सैम अल्टमैन। ये है सैम अल्टमैन। ये जो वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य सार्वभौमिक डिजिटल की पहचान होनी चाहिए, डिजिटल पासपोर्ट जारी करना, इसमें जो भी सेवाएं हैं उसका ऑनलाइन एक्सेस देना, इसमें जो है सामने वाले व्यक्ति की पहचान जो है एक आर्म डिवाइस है उससे की जाएगी, इसमें आँख की आयरिस स्कैन की जाएगी कि सामने वाला कौन है, मनुष्य है, रोबोट है या साइबर क्राइम का व्यक्ति है, कोई भी है, तो इससे इसकी पहचान की जाएगी। नेक्स्ट है ट्रेंड्स को मेटा ने लॉन्च किया है, बार्ड को गूगल ने लॉन्च किया है। लीसा क्या है? लीसा उड़ीसा की क्षेत्रीय एंकर है जो कि एआई आधारित है। गंगा जो है वो एनडीआरआई ने करनाल में गिर नस्ल की गाय जो है उसका एक पहला मादा क्लोन बनाया है जिसका नाम है गंगा। दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया? तो वो 1 अगस्त को मनाया गया। 1 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 1991 को पहली बार इसका प्रस्ताव पब्लिक में लाया गया था। इसके खोजकर्ता जो हैं वो टिम बर्नर्स-ली हैं जो कि 1989 में इसकी खोज की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका हम लोगों ने बहिष्कार किया था। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस भी इसी दिन होता है। तीसरा क्वेश्चन है ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो वो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में कर रही है, जिसकी कुल लागत है 1600 करोड़ रुपये। कंबम अंगूर तमिलनाडु का है जिसको जीआई टैग मिला है। नामकट्टी कन्याकुमारी केले चेदीवुट्टा साड़ी जिसको जीआई टैग मिला है ये तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। एमवी एक्सप्रेस क्रूज शिप चेन्नई से श्रीलंका तक है, चेन्नई में लॉन्च हुई है जो कि चेन्नई से श्रीलंका तक है। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे इम्पॉर्टेंट है। इसको मतलब ये नोट्स भले ही आप लोग डाउनलोड करके पीडीएफ निकलवा लीजिएगा और एक बार सारे फैक्ट जो है एक जगह मतलब लिख लीजिएगा, तो इससे आपको आसानी होगी। और मतलब इतने लाइन टू लाइन लिखी है कि आप एक एक बार दिन में पढ़ेंगे ना तो आप अच्छे से तैयार हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? तो वो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। इसका नाम है जस्ट आस्क चैटबॉट। इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल जो होंगी वो आपके किसी भी आंसर का जवाब देंगी। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर एमपी में हुआ है, जिसके चीफ गेस्ट थे मोहम्मद इरफान जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। G20 संस्कृति समूह की पहली बैठक खजुराहो एमपी में हुई है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में। भारत का पहला हर घर जल वाला जिला जो है, जिला पूछ रहा है तो वो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। बुरहानपुर इसमें जो है जिले का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है राजस्थान के कुल उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला है, वो कौन कौन से उत्पाद हैं? तो ये है पिछवाई पेंटिंग है। उदयपुर के मेटल क्राफ्ट को मिला है। बीकानेर के काशीदगारी शिल्प और उस्तकला शिल्प को मिला है। जोधपुर के बंदेज शिल्प को मिला है। जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। 1999 एक्ट के तहत इसे लाया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसे 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। पहली बार 2004 में जो दार्जिलिंग की चाय थी उसको दिया गया था। सबसे ज़्यादा जीआई टैग तमिलनाडु को दिया गया है। राजस्थान में एक स्टैचू ऑफ बिलीफ है जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, जो कि महादेव की प्रतिमा है, वो नाथद्वारा में स्थापित है। अब जो और जीआई टैग हैं जो कि और राज्य के हैं, गोवा का है मनकुराड आम और बेम्बिका हलवा। यूपी में एटा का है जलेसर धातु। रीवा मध्य प्रदेश का है सुंदरजा आम। छत्तीसगढ़ का है नागरी दोबारा चावल। जम्मू कश्मीर का है बसोहली पेंटिंग। कर्नाटक का है इशाद आम। छठा क्वेश्चन है G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन
कहाँ हुआ है, तो ये महिला सशक्तिकरण से लेकर के है, ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। इसका उद्देश्य है देश के विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना। जो लैंगिक समानता है वो SDG के किस नंबर पे है, किस नंबर में है, वो 5वें नंबर पे है लैंगिक समानता। सिविल 20, तो ये जयपुर में हुआ है। G20 रोजगार कार्यालय समूह की पहली बैठक, रोजगार कार्यालय की पहली बैठक तो जोधपुर राजस्थान में हुई है। G20 पर्यटन समूह की पहली बैठक कच्छ के रण गुजरात में हुई है और इसकी तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में हुई है। G20 शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक पूछ रहा है तो वो चेन्नई में हुई है, इसकी पहली शेरपा बैठक उदयपुर में हुई है। 7वां क्वेश्चन है, ADR रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरब विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है, तो सर्वाधिक अरब विधायक वाले पूछ रहा है तो इसमें कर्नाटक में है। मुख्यमंत्री जो सबसे अमीर हैं वो जगमोहन रेड्डी हैं, जो सबसे गरीब हैं वो ममता बनर्जी हैं। ADR की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक्स। भारत में विधायक की एवरेज संपत्ति जो है वो 13.63 करोड़ है। इसमें जो ये ADR रिपोर्ट जारी हुई है इसमें पहला स्थान कर्नाटक का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, राजस्थान को 10वां स्थान प्राप्त है, इसमें उत्तर प्रदेश 4थे स्थान पर है और मध्य प्रदेश जो है वो हम 7वें स्थान पर है। राजस्थान 10वें, उत्तर प्रदेश 4थे और मध्य प्रदेश इसमें 7वें स्थान पर है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है तो उसको एक बार अच्छे से एक जगह लिख लीजिएगा। सबसे अमीर MLA हैं वो हैं D.C. कुमार, जो कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं। सबसे गरीब MLA जो हैं वो हैं निर्मल कुमार, जो कि पश्चिम बंगाल के। इनकी संपत्ति कुल बताओ 1700 रुपये है, इतना कम। गारंटी बजट कर्नाटक मुख्यमंत्री ने। यक्षगान कर्नाटक का फेमस डांस है। दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री जो हैं वो नवीन पटनायक बने हैं। हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री जुबानी पुस्तक किस लेखक की है, तो वो ऋषि राज जी की है। यह है कारगिल एक जुबानी। इसमें क्या, जो कारगिल वॉर हुआ था उसके पहले दिन से 26 जुलाई तक दिवस की कहानी लिखी गई है। ऑपरेशन विजय कारगिल विजय के लिए चलाया गया था 26 जुलाई 1999 में। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन विजय के लिए 1984 में। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद विजय के लिए 1948 में। ऑपरेशन जीरो आवर जो कि 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन था उससे पहले रात 12 बजे को चलाया गया था, जितने भी क्रांतिकारी थे उनको जेल में डाला जा रहा था। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है, तो वो उत्तर प्रदेश ने दी है, जो कि 10 साल के लिए वैध है। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी नदियाँ हैं तो यहाँ पे जल पर्यटन तो होना चाहिए, तो यही है कि उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री जी ने इसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 3rd नंबर का है, जो कि इसमें जीतू शुभंकर है, UP में हुआ है और पंजाब इसका विजेता है। एक परिवार एक पहचान उत्तर प्रदेश की। दूसरा तरल नैनो यूरिया संयंत्र प्रयागराज में स्थापित हुआ है, पहला कलोल गुजरात में है। वन वर्ल्ड TB समिट वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ है। 10वां क्वेश्चन है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास करने का विकास किसने किया है, तो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने किया है। हाइड्रो का मतलब होता है, हाइग्रो का मतलब आर्द्रता, नमी या ह्यूमिडिटी। अब लोग कहते हैं ना बहुत चिपचिप सी हो रही है, इतनी क्यों गर्मी हो रही, गर्मी में तो चिपचिप हो जाती है, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसमें क्या है, जो नमी में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होना चाहिए, आर्द्रता को ऊर्जा में बदलना है, जिसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। इसमें ऊर्जा का नवीनीकरण किया जाएगा जो कि प्रदूषण रहित होगा। हाइड्रोफोबिया पानी के डर को कहते हैं, जिस जो रोग है उसको रेबीज कहते हैं। जीरोफाइट मरुस्थली पौधे को कहते हैं। एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं, एपिग्राफी अभिलेख का अध्ययन। और न्यूमिस्मेटिक्स जो है, हम लोग जो सिक्के हैं, जितने भी सिक्के पूरे मतलब पुराने जो भी हैं उनका जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। हमारा आखिरी है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी को, दोनों को विलय कर दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, 1973 में, और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। इन दोनों का विलय किया गया है, तो प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न चलाया गया है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये
क्लास ठीक लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।